हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मंजू सोनी भजन माला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि वो बेस में हाथ चलाती हैं तो चाटी पर उनकी उंगलियां नहीं चल पाती, और चाटी पर उंगलियां चलाती हैं तो बेस में हाथ रुक जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही सुरीली ताल लेकर के आई हूँ। इसमें हम ये ताल में मजे की बात ये है कि हमको दोनों हाथ एक साथ चलाना है। बहुत ही इजी ताल है और बजने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप लोगों ने यदि एक हफ्ते इस ताल की प्रैक्टिस कर ली मन लगा करके, तो आप लोग को ये ताल बहुत ही अच्छे से आने वाली है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोग के लिए सरल से सरल ताल लेकर के आऊं, जिससे आप लोग जो भी सीखें, जो भी ताल बजाएं, वो आप लोग को जल्दी से आ जाए। तो आइए आप लोग हम ये ताल सीखते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए हम बजाते हैं। तो ये बड़ा भाग बेस कहलाता है जहाँ हम पाक लगाते हैं। तो जहाँ हमारी उंगलियां समाप्त होती हैं, ये गदेली से हम बजाते हैं। देखिए ऐसे यहाँ मार देते खुला बेस है, बीच में लेते तो बंद बेस, खुला बेस बंद बेस, खुला बेस बंद बेस। तो ये हमारी ताल मात्र एक से चार तक की काउंटिंग में है। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस तरह से हमारी लय रहेगी। देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस तरह से हमको बेस में बजाना है। देखिए एक दो तीन चार, आप धीरे धीरे खूब अच्छे से बेस की प्रैक्टिस करिए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब चाटी में हम कैसे बजाएंगे, देखिए ये दो उंगली हम ये ग्रुप में लेंगे ऊपर और इंडेक्स फिंगर नीचे। देखिए ऐसे, ये दो ऊपर, इंडेक्स फिंगर नीचे। देखिए तो इसकी भी लय हमारी वही रहेगी जैसे हम वहां बजा रहे हैं। दोनों हमको एक साथ बजाना है। देखिए एक दो चार में हमको इंडेक्स फिंगर मारना है, और एक दो तीन हमारा ये ग्रुप में ही बजेगा, ग्रुप उंगली। देखिए एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। दो में जितना मैं रुक रही हूँ उस तरह से आपको रुकना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करिए। पहले बेस की कर लीजिए, फिर चाटी की करिए, फिर दोनों को मिला के करिए। देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस तरह से हमको बजाना है। देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये समझिए बेस है हमारा, ये खुला बेस, ये बंद बेस, और ये चाटी जहाँ हमको उंगलियां चलानी। तो कैसे लेंगे हम, देखिए बेस में कैसे लेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और चाटी में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब मिला के बजाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। इसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। देखिए यहाँ बताती हूँ मैं आपको, मैं चाटी यहीं पर आपको बजा के दिखाती हूँ। देखिए एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार,
जैसे मैं रुक रही हूँ दो में, वैसे ही आप लोग को रुकना है, तभी ले अच्छे से आएगी। देखिए इसी स्पीड में आप प्रैक्टिस करेंगे एक हफ्ते तक, फिर जब फिर आप स्पीड उसको बढ़ाइएगा, जब अच्छे से आपकी लय में बजने लगे फिर स्पीड बढ़ाइए। देखिए एक दो तीन चार, 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 इसी तरह आपको बजाना है। और जब देखिए स्पीड में कैसे बजेगी, जब बजाएंगे तेज तो बजाइए, और कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद। जय माता दी।